हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, BES-127 असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसका Unit-1 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उस पर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने जिस भी ऑर्डर में वीडियोस अपलोड हुई ना, वो सारी आ जाएगी और आप अपने अकॉर्डिंग वीडियोस को देख सकते हो। हम लोग कर रहे थे Unit-2, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट, और इसका जो Part-1 है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने देखा था बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट, और आज हम देखेंगे बेटा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट। क्लास स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रही हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और सब्सक्राइब के साइड में ना एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको जितनी भी वीडियोस चैनल पर अपलोड होना उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, वीडियो पसंद आते हो तो लाइक ज़रूर किया करोगे, आई विल बी थैंकफुल टू यू। आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। सो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट। अगर बात करो इस टॉपिक की, तो आप लोग इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा कॉग्निटिव थ्योरीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, प्याजे की, ब्रूनर की, तो आप लोग भी खुद भी इस टॉपिक से कहीं ना कहीं वाकिफ हो। और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बिहेवियरिज्म के कंट्रास्ट में है। बिहेवियरिज्म अगर कॉग्निटिव को नहीं मानता है, माइंड की बात नहीं करता है, वो सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर, वातावरण के ऊपर, बाह्य एनवायरनमेंट की ही बात करता है, तो इसका जस्ट उलट आप कह सकते हो कि कॉग्निटिव जो है ना, वो माइंड को, हमारा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, इन सब की बात करता है। ठीक है, तो प्याजे की अगर बात करें, तो प्याजे जो बिलीव किया, प्याजे ने, उन्होंने कहा कि लर्निंग जो है वो एक इंटीग्रल प्रोसेस है, जिसके अंदर हम जो नई इन्फॉर्मेशन है ना, उसको असिमिलेट करते रहते हैं। आप लोगों को पता है कि असिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ये दो प्रोसेस फॉलो होते हैं। प्याजे की थ्योरी जब पढ़ी होगी तो आप लोगों को भी ये चीज़ पता होगी, और साथ ही ये चीज़ भी पता होगी कि प्याजे ने कितनी 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कौन कौन सी दी थी जल्दी जल्दी बताओ। सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 ईयर्स तक। प्री ऑपरेशन स्टेज, जो कि 2 to 7 ईयर्स। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, 7 to 12 ईयर्स। एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, 12 टू अडल्ट लिखा हुआ है, कहीं पर 12 to 14, 15 भी लिख देते हैं। तो ये स्टेजेस उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा कि ये जो स्टेजेस है, जो प्याजे ने स्टेजेस दी है, वो हर एक बच्चे के अधिगम में या किसी भी स्टूडेंट या किसी भी चाइल्ड की लर्निंग में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और अगर बात करें कि बच्चा जो है, दे कैन नॉट लर्न सर्टेन थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो जब तक उनका जो मानसिक स्तर है उस लेवल तक नहीं विकसित होता है, तब तक नहीं सीख सकता। जैसे अगर हम बात करें कि बच्चे को बोलना सिखाना है, तो बच्चा पैदा होते ही नहीं बोल सकता। जब तक उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना नहीं होगा, तब तक वो चीज़ नहीं सीख सकता। या फिर हम अगर छोटे बच्चों को हम एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त कंसेप्ट सिखाना चाहे, तो वो चीज़ नहीं सीख सकते बच्चे, क्योंकि उसके लिए एक मानसिक परिपक्वता का होना ज़रूरी है, एक उनका मेंटल लेवल इतना होना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उस टाइप के कंसेप्ट को सीख सके। तो ऐसे ही तमाम एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, उससे हायर चीज़ें आप लोग पढ़ा रहे हो या समझाना चाहते हो या सिखाना चाहते हो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इन अदर वर्ड्स, मेंटल रेडीनेस। अब यहाँ एक और चीज़ आ जाती है मानसिक तत्परता की, कि मेंटल रेडीनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा मेंटली रेडी नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है लर्निंग के लिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, तो आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, बच्चा नहीं पढ़ेगा। अब आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, बच्चे तो अच्छे से पढ़ते हैं। तो बेटा, जब क्लासरूम में कभी अगर पढ़ाया हो, तो एक दो बच्चा ऐसा अगर ऑब्जर्व किया हो, तो देखने को मिल जाता है कि बीच बीच में एक दो नहीं, हमारे जो थॉट्स हैं ना, वो कंटिन्यू रहते हैं। कोई भी इंसान हुआ, उसके अंदर विचार चलते रहते हैं। ठीक है, अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बच्चा जो है मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, नहीं पढ़ना चाहता है, तो वो अपने ही ख्यालों में, अपने ही डे ड्रीमिंग एक्टिविटीज़ में ही खोया रहेगा। अगर आप उसको सामने पढ़ा रहे, लेकिन दिमाग में उसके चल रहे कि घर जाकर मुझे क्रिकेट खेलना है, चौके छक्के मारने हैं, मुझे उस टीम को हराना है, तो आप यही चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि हमें
टीचिंग लर्निंग एड्स का या फिर ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो क्लासरूम में प्रेजेंट रहे फिजिकली भी और मेंटली भी. फिजिकली तो रहते हैं लेकिन मेंटली एब्सेंट हो जाते हैं, है ना, तो वो चीज़ ना हो. तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि मेंटल रेडीनेस जो है वो बच्चों की लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है. ना सिर्फ लर्निंग में बल्कि आकलन में भी मेंटल रेडीनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप असेस करना चाहते हो और बच्चा जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है या फिर मेंटली रेडी नहीं है, वो नहीं देना चाहता टेस्ट, तो क्या आप उसका 100% उसका असेसमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते. वो जो रिजल्ट आएगा वो उसकी एबिलिटी को, जो उसका पोटेंशियल है, उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नहीं दर्शाएगा. तो यही चीज़ आ जाती है कि मेंटल रेडीनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. साथ ही एक मेंटल लेवल बच्चे का इतना होना ज़रूरी है कि वो चीज़ों को समझ सके उसके ही. इसलिए कहते हैं कि बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार ही करिकुलम या पाठ्यक्रम होना चाहिए, लेसन होने चाहिए, इमेजेस या फिर बीच बीच में मतलब चित्र होने चाहिए. तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती है. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए. ये सारी चीज़ें जब पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं ये मेंटल रेडीनेस वाली चीज़ भी आ जाती है या मेंटल लेवल वाली बात भी आ जाती है. नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है किसकी बेटा, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की. किसकी बात की गई है? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की. तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आप लोगों को पता है कि प्याजे ने दी है, प्याजे ने इसकी बात की है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए. सारी चीज़ बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए. बच्चे की नीड, बच्चे की कैपेबिलिटीज़, बच्चों की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब को ध्यान में रखकर ही जो लेसन है वो डेवलप किया जाना चाहिए. जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो डेवलप करना चाहिए. तो सारी चीज़ें बच्चों की मेंटल एज के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना. तो ये चीज़ है. फर्दर ब्रूनर ने भी ये वाला कंसेप्ट जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है इसकी इसको इसका साथ दिया. और कॉग्निटिव थ्योरी प्याजे ने तो दी ही है, साथ ही ब्रूनर ने भी दी है, ठीक है. ब्रूनर ने भी दी है जिसमें आप लोग पढ़ते हो ना इनएक्टिव स्टेज, एक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज, तो वो वाली चीज़ जो पढ़ते हो जो ब्रूनर की कॉग्निटिव थ्योरी है. तो ब्रूनर ने भी बल दिया है किसके ऊपर? एक्टिव लर्निंग के ऊपर. किसके ऊपर बल दिया है? एक्टिव लर्निंग के ऊपर. बोथ प्याजे एंड ब्रूनर स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटी इन लर्निंग विच द लर्नर कैन ऑब्जर्व, प्रैक्टिस, मैनिपुलेट, मॉडिफाई, कंस्ट्रक्ट हिज और हर ओन नॉलेज. तो यही चीज़ कही गई है कि एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक लर्नर का अगर वो कुछ सीखना चाहता है तो उसका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो ऑब्जर्व कर सके. अगर कोई ऑब्जर्व भी करना है बच्चे को तब भी एक्टिव होना ज़रूरी है, तब भी मेंटली एक्टिव होना ज़रूरी है. अगर आप उसको कोई साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हो या फिर किसी और चीज़ की, कुछ भी रेसिपी की, अगर आप कोई भी चीज़ की रेसिपी समझा रहे हो, ठीक है, दिखा रहे हो कि गाजर का हलवा इस तरीके से बनता है, कुछ भी ऑब्जर्व हो सकता है. मैं ज़रूरी नहीं है कि कोई हार्ड कंसेप्ट ही लूँ आपके सामने, ठीक है. तो उसमें भी अगर ऑब्जर्व भी करना है तो उसमें भी तो मेंटल रेडीनेस और मेंटली एक्टिव होना ज़रूरी है. बच्चे का अलर्ट होना ज़रूरी है. अगर पैसिव है, कहीं और खोया हुआ है, तो क्या बच्चा जो आप ऑब्जर्व करा रहे हो, जो आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, वो चीज़ समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा. इसलिए एक्टिव लर्निंग, बच्चे के जो सक्रिय भूमिका है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके ऊपर बल दिया है किसने? प्याजे ने भी और ब्रूनर ने भी. दोनों ने ही बात की है कि कोई भी चीज़ अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इन सब में एक्टिव लर्निंग होती है. और एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लर्नर का. किसका? लर्नर का. उन्होंने साथ ही एक और चीज़ पर बल दिया कि जो भी जितनी भी न्यू लर्निंग, जितनी भी नई चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही है वो उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होनी चाहिए. उससे रिलेट करनी ज़रूरी है. जब आप लेसन प्लान बनाते हो तब आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हो ना, तो वही चीज़ आप कह सकते हो कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए हमें जो भी हम नई जानकारी या जो भी हम नई कंसेप्ट बच्चों को सिखा रहे हैं, ताकि उनकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो. इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. आगे क्या गया है वो भी देख लेते हैं कि प्याजे रिकमेंडेड गिविंग चैलेंजिंग टास्क टू एक्टिवेट द थिंकिंग प्रोसेस विच में फैसिलिटेट द लर्नर टू रीच इक्विलिब्रियम थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन.
तो यही चीज़ कही गई है कि प्याजे ने कहा है कि थिंकिंग प्रोसेस को, बच्चे के जो चिंतन प्रक्रिया है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसको एक्टिवेट करने के लिए उनके सामने कुछ चैलेंजिंग टास्क देने चाहिए ताकि उनकी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हो सके, जिसमें बच्चे जो है इक्विलिब्रियम के स्टेज पर पहुंच सके, एक बैलेंस उनका बन सके एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के बीच में। तो ये जो एडेप्टेशन का प्रोसेस, जो अनुकूलन का प्रोसेस जो लिखा हुआ है, बेसिकली इसके अंदर कौन से प्रोसेसेस है, इसके अंदर एसिमिलेशन है एंड एकोमोडेशन है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से आती भी होगी कि एसिमिलेशन में क्या होता है। एसिमिलेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज़ ऐड होती चली जाती है, जो प्रीवियस स्कीमा जो बनाया था वो न्यू स्कीमा के साथ मैच हो जाता है, और जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो उसमें आपको बदलाव नहीं करना पड़ता, वो जुड़ती चली जाती है। लेकिन एकोमोडेशन की बात करें तो उसमें आपको मॉडिफाई करना पड़ता है एक्सपीरियंस को, जो स्कीमा प्रीवियसली बनाया था उसमें आपको कुछ फेर बदल करना पड़ता है ताकि जो स्कीमाज है वो एक दूसरे में फिट हो सके, इसलिए इंफॉर्मेशन को आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के बीच में जब बैलेंस होता है तब हम पहुंचते हैं किस पे, इक्विलिब्रियम के स्टेज में। तो यही चीज कहा है किसने, प्याजे ने। प्याजे की पर्सपेक्टिव से देखें तो द टास्क और एक्टिविटी may be challenging but it should be according to appropriate developmental stages of the learner, otherwise the learner may not be able to learn. तो जितनी भी एक्टिव जो जितनी भी चैलेंजिंग टास्क बच्चे को देने हैं तो वो सारे उनकी एज अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ कही गई है ना कि सात से बारह साल के बच्चे जो होते हैं वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में होते हैं, मतलब कि जो उनके सामने है, जो मूर्त चिंतन उनका होता है उसमें जो चीज़ उनके सामने है वो उनको अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ सिर्फ आपके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है, उनको समझना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये नहीं है कि 7 से 12 साल के बच्चों को सारे ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सिखा दिए जाए। तो यही चीज़ है कि उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, 4 डेवलपमेंट स्टेजेस जो बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ही हमें लर्निंग करानी चाहिए, अदरवाइज बच्चा जो है चाइल्ड मे नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग। तो यही चीज़ है कि वो चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर डिटरमाइंस द असेसमेंट मेथड्स एंड टूल टू बी यूज टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स। तो यही चीज़ कही गई है कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर जो है वो डिटरमाइन करता है कि असेसमेंट मेथड कैसे होने चाहिए, वो किस लेवल के होने चाहिए, और कौन कौन से असेसमेंट टूल होने चाहिए जिससे कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छे से उसका आकलन किया जा सके। देर इज़ नो सिंगल और यूनिफॉर्म मेथड ऑफ असेसमेंट, कोई एक सिंगल मेथड नहीं हो सकता कि उसी से ही, अगर कहा गया कि भाई आप लोग रिटन टेस्ट दे दो, पेपर पेंसिल टेस्ट दे दो, तो उसी से ही हर टाइप की असेसमेंट हो जाएगी। उससे क्या आप बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल्स है, जो बोलने का कौशल है, मौखिक अभिव्यक्ति है, उसको जांच सकोगे? आप खुद सोचो कि आप जो ये टर्म एंड एग्जाम्स लेते हो, या हम जो सालों से अपने टाइम में हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये करते आए है ना, तो उसमें क्या हमारे जो स्पीकिंग स्किल्स है वो चीज़ जज होती थी? क्या उसमें हमारी जो श्रवण कौशल है, लिसनिंग स्किल्स है, वो चीज़ जज होती थी? नहीं होती थी। तो वो चीज़ है कि एक टाइप का असेसमेंट बच्चों को जज नहीं कर सकता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट होने चाहिए, और बच्चों को एज के अकॉर्डिंग, बच्चों की जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ फ्रेम की जानी चाहिए। असेसमेंट इज़ नॉट लीनियर फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, इंस्टेड इट इज़ अ स्पायरल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। इसीलिए कहा गया है कि असेसमेंट जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर CCE वाले चीज़ में आपने देखा होगा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसमें यही चीज़ कही गई कि डेवलपमेंट अगर निरंतर होती है तो फिर असेसमेंट ईयरली या हाफ ईयरली या सेमेस्टर वाइज क्यों? तो इसलिए कहा गया कि असेसमेंट जो है वो भी कंटिन्यूसली होनी चाहिए। देयरफॉर एज अ टीचर यू हैव टू इनबिल्ट असेसमेंट इन द एक्टिविटी इटसेल्फ एंड डिटरमाइन द असेसमेंट प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल स्टेजेस। बच्चों के डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग असेसमेंट प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस को और एक्सपोजर ऑफ लर्नर, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये है आप लोगों का कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर्सपेक्टिव जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट।
सो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट। अगर बात करें कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट तो ये डिफरेंट है बिहेवियरिज्म पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट से, क्योंकि जो बिहेवियरिस्ट थ्योरीज है या फिर बिहेवियरिज्म है वो बात करता है कि बच्चे को जो है कुछ भी सिखाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ री इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन की मदद से बच्चों को कुछ भी सिखाया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की तो ये एक बात करता है कि जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की, जो पूर्व ज्ञान है बच्चे का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है लर्निंग में, मतलब कि पूर्व ज्ञान के ऊपर भी ये बल देता है। दूसरी चीज़ ये किस चीज़ की बात करता है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो ये बात करता है बेटा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर की, कि लर्नर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सक्रिय रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। थर्ड बात कही कि नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडिविजुअल, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, बच्चे जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, बच्चा खुद अपने रूल्स एंड मेंटल मॉडल्स को जनरेट करता है विच आर यूज टू मेक सेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस, जिनकी बच्चे कोई भी चीज़ हुई, कोई भी वस्तु हुई, कोई भी बच्चे ने चीज़ को समझा या देखा और उसको अपने मेंटल रूल्स के, मेंटल मॉडल्स के अकॉर्डिंग एक सेंस दी, अपने एक अनुभव को जब वो एक मीनिंग देता है, एक सेंस देता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन व्यू पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन रूल्स एंड मेंटल मॉडल्स, तो ये चीज़ आती है, उस हिसाब से बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो जहाँ पहले ये समझा जाता था कि टीचर क्लासरूम में आएगा और बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चे चुपचाप से सुनते रहेंगे गुरु की और टीचर कहेगा कि अब आपका पाठ हो गया, अब आप अपने घर जाओ, तो ये जो एक कह सकते हो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट था कि इस तरीके से बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, नॉलेज डिसेमिनेट की जाती है, उस चीज़ को बिल्कुल खारिज करता है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट। तो जहाँ ये समझा जाता था, ये मैकेनिस्ट व्यू पॉइंट था कि बच्चे जो है पैसिव रिसिपिएंट है नॉलेज के, तो इसको ये बिल्कुल रिप्लेस करता है और कहता है कि लर्नर्स आर सिचुएटेड एंड एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर्स, बच्चे जो है वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने अनुभवों को, एक्सपीरियंसेस को, तो ये चीज़ आ जाती है। साथ ही इसमें एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखने की बात है, वो क्या कि हर बच्चा, कोई भी बच्चा हुआ, हर बच्चा अपना, उनका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, उनका अपना अपना क्या होता है, पर्सपेक्टिव होता है। नॉलेज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड यूनिफॉर्मली टू ऑल लर्नर्स, ज्ञान जो है वो अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो वो हर बच्चे को समान रूप से या यूनिफॉर्म वे में बच्चों को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि जो टीचिंग है और लर्निंग है ये दोनों सिनोनिमस या एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हो, वो चीज़ भी देख लीजिए। कहा गया है कि एक क्लास में अगर एक टीचर है और वो बच्चे को एक सेम कंटेंट पूरी क्लास को पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ा है, एक्स वाई जेड, हिंदी का, मैथ्स का, साइंस का, कोई भी टॉपिक मान लीजिए आप, मोशन पढ़ाया है या फिर रोटेशन रिवॉल्यूशन पढ़ाया है, वट एवर द टॉपिक इज, कोई भी चीज़ पढ़ाया है बच्चों को, पूरी क्लास को पढ़ाया टीचर ने, लेकिन जो हर एक लर्नर होगा वो उस इंफॉर्मेशन को, उस जो जानकारी है उसको प्रोसेस करेगा अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग और अपने जो कंटेंट है उसको अलग अलग रूप से उसको समझेंगे, अपने पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग, अपना जो रूल्स है या मेंटल मॉडल्स है उनका यूज़ करते हुए उसकी एक अलग सेंस बनाएंगे। हर बच्चा एक अलग तरीके से यूनिफॉर्म वे में समझता है, इसलिए कहते हैं कि बालक जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है और हर एक बच्चा जो है ज्ञान के निर्माण करने में एक सक्रिय भूमिका निभाता है। तो ये है बेसिकली आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट।
तो आशा करती हूँ आप लोगों को कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड देन मूव ऑन करेंगे यूनिट 3 पर। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई और समझ में आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब नाउ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, खूब सारा प्यार देना। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।